समरी कल का डे टू जो मेरा था थिंपू में, इनफैक्ट डे वन ही कहना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन को लेके बात कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोकल आप जब करते हैं विद इन थिंपू और इवन पारो विद इन सिटी, तो आपको टैक्सी मिल जाता है। ये टैक्सी नॉर्मली BTA से नंबर स्टार्ट होता है, विच इज़ भूटान टैक्सी, और येलो कलर का प्लेट है इसके ऊपर। लोकल ड्रॉप वन प्लेस टू अनदर, इट चार्ज बिटवीन 30 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस विद इन द सिटी। आप सड़क के किनारे खड़े रहिए, ऊपर टैक्सी का एक येलो कलर का लाइट लगा है, उसको हाथ दीजिए, उसको जगह बताइए कहाँ जाना है, और वो आपको ड्रॉप कर देंगे, और उतरने के बाद आप उन्हें पेमेंट कर दीजिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बिटवीन पारो थिंपू और अदर प्लेसेस लाइक लॉन्ग डिस्टेंस वन 30-50 किलोमीटर्स, तो शेयर टैक्सी अगर आप उसको बुक करके चलते हैं तो 400 या 500 रुपए की रेंज में है। लेकिन अगर आप टैक्सी को शेयर टैक्सी लेंगे तो वही चार लोगों में फिर डिवाइड हो जाए, यानी 100 रुपीज़ टू 120-125 रुपीज़, इतने में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने को। एक और ऑप्शन है जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोकल बसेस 10 रुपये से लेके 25 या 30 रुपये की रेंज में वो लोग चार्ज करते हैं। हाईवे टू हाईवे उनका है, तो थिंपू का मेन सिटी से स्टार्ट करके वो लोग जहाँ थिंपू का गेट है, जहाँ लिखा होता है वेलकम टू थिंपू, वहाँ तक जाएंगे आपको, और रास्ते में जिस जगह भी आपको उतरना है वहाँ उतर सकते हैं। तो बिल्कुल वही सिस्टम है जैसे हमारी कंट्री में होता है इंडिया में। तो वहाँ बस में चढ़ते हैं, आप कंडक्टर को बताते हैं, वो आपको टिकट काट के देता है और पैसे ले लेता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी। मैं निकल रहा हूँ हाँ वैली का परमिट करवाने के लिए। ये मिलेगा इमिग्रेशन ऑफिस थिंपू से। प्लान चेंज थोड़ा सा हुआ है, मेरे जो ग्रुप है वो आज टाइगर्स नेस्ट का हाइक करने वाले हैं, तो मैंने सोचा उनके साथ ही करता हूँ। तो मुझे एक बार फिर से करना है जब नीलमा यहाँ आएगी, पर ये मौका है, उनके साथ यहाँ आना हुआ था तो अच्छा है, उनके साथ घूमने फिरने को करना चाहिए। वहीं से फिर मैं कल उनके साथ हावेली। गो एंड से बाय टू अम्मा आल्सो। मम्मा दे हैव गोन टू हिज ऑफिस, नोबडी इज एट होम। ओके 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 ओके, एवरीवन हैज गोन टू द ऑफिस। वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। हां, वेयर डज मॉम वर्क? शी वर्क्स इन हॉस्पिटल। ओके, ऑन द construction site. Hospital on the construction site. Okay. Yeah, hospital construction. Okay. It's always same weather here? Yes. Same weather here always? Yeah. It's too cold? No, it's not. It's very pleasant. It's much more colder there in Chandigarh these days. Yesterday it was raining there. It's very cold. Also, there was a snowfall, recent snowfall which happened there in Himachal. Manali and some places in Shimla. It's very cold there. It's better than that. Now 2 months there will be no rain. 2 months? Yeah. March, which 2 months? April, March and April. April. Okay. But not very sure. But sometimes for a week there will be rain. Okay. Spring season. Occasionally, so, sometime. Yeah. And rainy season here is normally the same like July and August, yeah. Same time here. Yes. So lots of road blockage happens here also? Yes. Landslides and yes. All? It happens. Yes. Just Thimpu is the peace place. Okay. You cross Thimpu, Paro is also at safer side. Okay. You cross Thimpu, Paro, okay. Fencing and all, it's always. Both are blocked because of landslides and yeah, and in winter ice. Okay. Last time in January mid, my husband had an accident at between Pinsling and Thimpu. Oh. When he was coming from because of landslide. No, because then? Of the ice. Because of the ice. Yeah. Goodness. Yeah. It was like he was saying that it was like in picture when he was about to step out from the car. Okay. He don't find any space there. Their car was like hanging like this on the picture, on the cliff. Oh goodness, so dangerous, yeah, scary. The car, it was like very damaged, but luckily, two of them, nothing happened. Thank Not God. Even a scratch. That's but he had to sleep for almost 3 days. Oh
out of the shock. Yeah. Black coffee. I'm getting my breakfast. Then we'll loaf. We'll go. We are jana hai. Permit hai. That's the house where I'm staying. टैक्सी पकड़ने वाले हैं सीधा इमिग्रेशन ऑफिस छोड़ देगी हमें वो ये जा रही है क्या also reaching there for the party. Yes.
Hi again. Hi. 2 hours it will take. Where are we going? There? नूडल्स खाना है सुबह सुबह कुछ भी मिल जाएगा अभी तो अभी ऐसे टाइम तो कुछ मिलेगा अपने को ब्रेड ब्रेड तो मतलब मेरे को रोज और ब्रेड देखा ब्रेड 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 अंडा मिल जाए ब्रेड पकौड़ा मिल जाए ब्रेड मिलेगा ब्रेड ब्रेड पकौड़ा ब्रेड मिलेगा ना ब्रेड शॉप मेरे कुछ मतलब ही इज सेइंग आई गिव मी एनीथिंग आई विल ईट अरे ब्रेड होगा तो मतलब क्या है ऐसा ब्रेड भी कैन भी कुछ नहीं है चलो राइट नाउ वी आर इन द हैंडीक्राफ्ट मार्केट लास्ट नाइट मैं इनके साथ रुका हुआ था इनके साथ रुका हुआ उसके घर पर घर पर रुका हुआ था ये रखे हाँ सिस्टर है हम दुख के साथ ही एक होटल में मिला है तो हमारा एक्सपीरियंस सब कम होगा आज अकेले घूमना है उसका कहना है कि ग्रुप में घूम के कोई फायदा नहीं ग्रुप ज्यादा भी नहीं चाहिए दो तीन होने से अच्छे है अरे वहाँ भी इतनी खपत पड़ती है ना दो तीन मैंने तो फॉर्म पे लिख के गया था मैं बोला कार्ड दो भाई मैं क्या करूँ मेरे फॉर्म में क्या था मैंने मतलब जो भी दे जाओ होगी ना हाँ भूमता मेरा सबका दे दो ऐसा ना कि प्लान बन जाती थी ना मुझे तो वो बोलती है कि नहीं 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 आप सोलो के लिए आपको भूतन नहीं होगा तो मैंने बोला आप जरा पूछूंगा अभी वैसे वैसे भी खड़े से कौन कौन सी जगह लिखी है हाँ और हाँ अपना वैसे ना काट दिया पुनः खा जा सकते हो ना जा सकते पुनः का सोच रहा हूँ कल सुबह जाके आ जाऊँ सुबह सुबह आज के ट्रिप का पूरा क्रक्स अगर मैं बताऊं तो पहले परमिट लिया मैंने हाफ वेली के लिए दो दिन का और 9 बजे ऑफिस खुलता है तो जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा था आसान रहेगा जिस तरह से ये एक्सपीरियंस रहा था मेरा काउंसलिंग में एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाने लगी मैं गया था पासपोर्ट की कॉपी लेकर के तो कहा गया जो आपको वीज़ा परमिट मिला है उसका जो स्टैंप लगी है उसका प्रिंट आउट लेकर के आइए फिर दूसरी बार जब मैं पहुंचा तो बोला कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो मैंने कहा नहीं मेरा ग्रुप है उसका परमिट पहले लिया जा चुका है मेरा रहता है तो आप कहते हैं उसका फोटोकॉपी या प्रिंट आउट लगाओ साथ में तब आपको मिलेगा तो कोई शॉप नहीं था आसपास इमिग्रेशन ऑफिस के तो जब मुझे लगा कि ये दिक्कत है तो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया वाइट पेपर पे अच्छा उस ऑफिस में वाइट पेपर भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक आपको वो जो परमिट मिलता है फुलसलिंग से उसका प्रिंट आउट लगाना है पासपोर्ट का दूसरा एक सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो सबका वीज़ा इकट्ठा अप्लाई होता है तब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तीसरा चाहिए होता है एक फॉर्म जो वहाँ से मिलेगा और फॉर्म भी दो हैं अगर आप परमिट एक्सटेंशन कराना चाह रहे हैं तो सेपरेट विंडो सेपरेट फॉर्म और अगर आप सिर्फ रूट परमिट लेना चाह रहे हैं जैसे मैंने लिया रूट परमिट तो उसका सेपरेट विंडो है तो छोटा सा ऑफिस है आमने सामने लोग बैठे हैं वीज़ा एक्सटेंशन या परमिट एक्सटेंशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सेपरेट विंडो में जाने की आपको एक छोटा सा जस्टिफिकेशन देना होगा कि आप एक्सटेंड क्यों करवा रहे हैं और उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन हो जाता है लोकल टैक्सी का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोकल फूड जो हम लोगों ने आज खाया
और फैमिली के साथ जहाँ मैंने स्टे किया था उन सब से मैं मिला, पुराने जो मेरे नोन थे इस सिटी में उनको मैं सबको मिल करके आया। आज मेरा प्लान बन रहा था कि मैं वहीं रुकूंगा थिम्पू में, लेकिन अचानक कुछ चीज़ें बदल गई। जैसे लुबजंग को कल सुबह एक मीटिंग थी तो वो जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाएगा, 10 बजे उसे मीटिंग अटेंड करनी है, और अगर उसे 10 बजे मीटिंग अटेंड करनी है तो मेरे साथ सुबह जल्दी नहीं निकल पाएगा, और मेरा यहाँ पहुँचना था ज़रूरी क्योंकि प्रभजीत है जो सुबह की फ़्लाइट से वापस जा रही है। मेरा मकसद था कि एक बार उसको जाने से पहले मिल लूँ, क्योंकि ट्रिप हम लोगों ने इकट्ठे प्लान किया था और मैं क्योंकि लेट आया और उसके बाद कल परमिट के लिए मैं वापस चला गया, तो इस चक्कर में मैं उसको टाइम ही नहीं दे पाया हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं उसको मिलूँ, उसके साथ थोड़ा बातचीत करूँ, ज़रूरी भी है, वो यूके से या कनाडा से यहाँ तक आई है तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा बातचीत, थोड़ा टाइम साथ में हम रहें। कल उसकी फ़्लाइट है सुबह 11 बजे, तो उसको 9 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है, तो आज ही का टाइम है जब मिलके बात हो सकती है। कल सुबह मिल पाएंगे, बात हो पाएगी ऐसा लगता नहीं है। फिर हम लोग निकल जाएंगे हवेली के लिए वहीं से होटल से चेकआउट करके। अभी मैंने होटल स्टे का कन्फर्म नहीं किया, तो देखना जहाँ पर ये लोग रुके हैं, थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगेगा पर मैं वहीं पर रुकने वाला हूँ। लोकल लोग साथ होना तो मज़ा आता है घूमने का, और यही एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है हमेशा की तरह। तो लुबजंग है और बाकी लोग हैं तो मुझे उनके साथ घूम के मज़ा बहुत आ रहा है। कभी एक ग्रुप के साथ जाऊंगा 2 दिन तो अलग एक्सपीरियंस होने वाला, तो देखते हैं। आप तब तक मेरे साथ घूमिए पारो सिटी में। इस वक्त मैं क्लॉक टावर पर खड़ा हूँ। आई डोंट नो व्हाई डू वी कॉल इट क्लॉक टावर, दिस इज नो क्लॉक एट ऑल, बट दे कॉल इट क्लॉक टावर एंड इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। आई डोंट नो हाउ मच इज विजिबल। तो जैसे प्रे व्हील है सेंटर में, राउंड आप उसको राउंड लगा सकते हैं। मेरे पीछे एक